Hello guys, myself Samiksha Agarwal. Welcome to Code Freaks, a channel made for you, made by you. So let's now start today's CFG problem. The problem today we have to solve is shortest path using at most one curved edge. So let's get into this problem. तो आज की जो ये problem है ना, उसके अंदर अपने को एक undirected graph दे रखा होगा, जिसके अंदर n vertices होंगी और ये जो n vertices होंगी वो m edges से connected होंगी और वो कैसे connected होंगी वो अपने को इस edge वाले array में दे रखा होगा. अब इसके जो दो first values हैं वो अपने को ये बताएंगे कि किन दो nodes के बीच में connection है. तो 1 और 2 के बीच में कनेक्शन है. अब हर दो नोड्स के बीच में दो टाइप से कनेक्शन होगा, एक तो स्ट्रेट लाइन के थ्रू और एक कर्व पाथ के थ्रू. अब स्ट्रेट लाइन का वेट अपने को 1 दे रखा है. इसका मतलब क्या है कि अगर अपन 1 से स्ट्रेट लाइन के थ्रू 2 पे पहुंचना चाहें तो उसका डिस्टेंस 1 होगा और 2 से अपन स्ट्रेट लाइन के थ्रू 1 पे पहुंचना चाहें तो उसका डिस्टेंस भी 1 होगा, क्योंकि 2 वे कनेक्शन होता है अनडायरेक्टेड ग्राफ में. 1 से अगर अपन 2 पे जाएं तो उसका डिस्टेंस भी 1 होगा और 2 से अगर अपन 1 पे जाएं तो उसका डिस्टेंस भी 1 होगा. और सिमिलरली कर्व पाथ का अपने को डिस्टेंस दे रखा है 4. तो अगर अपन 1 से कर्व पाथ लेके 2 पे पहुंचना चाहें तो उसका डिस्टेंस भी 4 होगा और अगर अपन 2 से कर्व पाथ लेके 1 पे पहुंचना चाहें तो उसका डिस्टेंस भी 4 होगा. अब नेक्स्ट कनेक्शन अपने को दे रखा है 1 और 3 के बीच में. तो 1 और 3 के बीच में अपन ने कनेक्शन कर दिया. स्ट्रेट लाइन का वेट 2 दे रखा है और कर्व पाथ का वेट अपने को 4 दे रखा है. तो स्ट्रेट लाइन का वेट अपन ने 2 कर दिया और कर्व पाथ का वेट अपन ने 4 कर दिया. अब अपने को 1 और 4 के बीच में कनेक्शन दे रखा है. तो 1 और 4 के बीच में अपन ने कनेक्शन कर दिया. स्ट्रेट लाइन का वेट अपने को 3 दे रखा है और कर्व पाथ का वेट अपने को 1 दे रखा है. तो स्ट्रेट लाइन का वेट अपन ने 3 कर दिया और कर्व पाथ का वेट अपन ने 1 कर दिया. अब सिमिलरली अपने को कनेक्शन दे रखा है 2 और 4 के बीच में. तो 2 और 4 के बीच में अपन ने कनेक्शन कर दिया है. स्ट्रेट लाइन का वेट है 6 और कर्व पाथ का वेट है 5. तो स्ट्रेट लाइन का वेट अपन ने 6 कर दिया और कर्व पाथ का वेट अपन ने 5 कर दिया. अब ये तो बन गया अपना ग्राफ. अब इस ग्राफ में अपने को करना क्या है, इस ग्राफ में अपने को 2 वर्टेक्सेस दे रखे होंगे ए और बी. अपने को सिंपली ए से बी पे जाना है और ए से बी पे जाने का मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है कि अगर अपन ए से बी पे गए तो उसका मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा. बस इसके अंदर एक रिक्वेस्ट है कि अपन ए से बी पे जाने के लिए सिर्फ एक ही बार कर्व पाथ का यूज़ कर सकते हैं, वो भी एटमोस्ट एक बार कर सकते हैं अपन कर्व पाथ का यूज़. अपन ये भी कर सकते हैं कि ए से बी पे जाने के लिए अपन कोई भी कर्व पाथ ना लें, लेकिन अगर अपने को कर्व पाथ का यूज़ लेना है तो अपन सिर्फ एक ही बार कर्व पाथ का यूज़ ले सकते हैं. यही अपना सिंपल सा क्वेश्चन है. तो इस क्वेश्चन के अंदर अपने को ए दे रखा है 2 और बी दे रखा है 4. तो अपने को 2 से 4 पे जाने का मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है. तो इस वाले कर्व पाथ के थ्रू अगर अपने को डायरेक्टली 2 से 4 पे जाना है तो उसका मिनिमम डिस्टेंस 5 है, लेकिन इसका जो एक्चुअल मिनिमम डिस्टेंस वो होगा वो क्या होगा कि अपन 2 से 1 पे जाएं स्ट्रेट लाइन के थ्रू तो उसका डिस्टेंस होगा 1 और 1 से अपन कर्व पाथ के थ्रू 4 पे पहुंच जाएं तो 2 से अपन 4 पे पहुंच गए और उसका मिनिमम डिस्टेंस क्या है 1 + 1 2. तो अपना आंसर क्या हो गया, अपना आंसर भी 2 ही हो गया. मतलब अपन क्वेश्चन अच्छे से समझ चुके हैं. तो अपन देख लेते हैं कि अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे. तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन एक बार ए लेंगे और एक बार अपन बी लेंगे. ए से अपन सारी नोड्स का मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करेंगे स्ट्रेट लाइन के थ्रू और बी से भी अपन सारी नोड्स का मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करेंगे स्ट्रेट लाइन के थ्रू. ऐसा क्यों करेंगे अपन वो देखते हैं. सबसे पहले अपन ये करते हैं तो स्ट्रेट लाइन के थ्रू ए का डिस्टेंस क्या है कि सबसे पहले 0 के साथ डिस्टेंस, फिर 1 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ और फिर 4 के साथ डिस्टेंस अपन निकालेंगे. अब जाहिर सी बात है कि अगर अपन 2 का 2 के साथ ही डिस्टेंस निकालते क्योंकि a अपना 2 है तो अपन 2 का 2 के साथ ही डिस्टेंस निकालेंगे तो वो तो जाहिर सी बात है कि 0 आएगा और 0 अपनी कोई भी नोड नहीं है. तो 2 से 0 का डिस्टेंस अपना इनफाइनाइट अपन लिख देते हैं कि 2 से अपन 0 पे कभी भी पहुंच ही नहीं सकते. अब 2 से 1 का मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा स्ट्रेट लाइन के थ्रू. 2 से अपन 1 पे 1 डिस्टेंस पे पहुंच सकते हैं तो अपन इधर 1 लिख देते हैं. अब 2 से अपन 3 पे कितने डिस्टेंस पे पहुंच सकते हैं, 2 से अपन 1 पे जाएंगे, 1 से 3 पे चले जाएंगे. तो 1 + 2 कितना हो गया, 3 हो गया. तो 2 से अपन 3 पे 3 डिस्टेंस पे पहुंच सकते हैं. 2 से अपन 4 पे कैसे पहुंच सकते हैं, एक तो 6 वेट पे पहुंच सकते हैं और एक अपना जो मिनिमम वेट होगा वो क्या होगा कि 2 से पहले 1 पे जाओ 1 से 4 पे जाओ. तो 2 से 1 पे 1 डिस्टेंस में और 1 से 4 पे 3 डिस्टेंस में. तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4. तो ये अपना 2 से सबका मिनिमम डिस्टेंस आ गया. सिमिलरली अपन बी पॉइंट से सबका मिनिमम डिस्टेंस निकालेंगे. तो एस बी कितना हो जाएगा, सबसे पहले 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए और 4 के लिए. अब b अपना 4 है तो 4 से 4 का मिनिमम डिस्टेंस 0 होगा और सिमिलरली 0 से इनफाइनाइट होगा. अब 4 से 1 का डिस्टेंस कितना होगा, 4 से अगर अपने को 1 पे जाना है तो अपना डिस्टेंस 3 है तो अपन 3 लिख देते हैं. सिमिलरली अगर अपने को 4 से 2 पे जाना है तो इधर तो डिस्टेंस 6 है, लेकिन अगर अपन 4 से 1 पे जाके 2 पे जाएंगे तो उसका डिस्टेंस 4 है जो कि मिनिमम है तो अपन 4 ही लिख देते हैं. सिमिलरली 4 से अगर अपने को 3 पे जाना है तो 4 से पहले अपन 1 पे जाएंगे, 1 से अपन 3 पे जाएंगे. तो 3 + 2 हो जाएगा 5. तो अपना डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा. अब अपन ने ऐसा क्यों किया, अपन क्या करेंगे, अपने को सिर्फ एक ही कर्व पाथ यूज़ करने को बोला है. तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ए से किसी भी एक्स इंटरमीडिएट नोड पर जाएंगे, एक्स से अपन कर्व पाथ के थ्रू वाई पे जाएंगे जाएंगे और वाई से अपन बी पे चले जाएंगे। तो अपन ने क्या किया, अपन ए से बी पे चले गए और अपना एक कर्व पाथ भी यूज़ हो गया। अब इसके अंदर अपन सारी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन निकालेंगे कि लेट्स सपोज ए अपना 2 है और बी अपना 4 है, ये दोनों फिक्स है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, 2 से लेट्स सपोज अपन 1 पे गए, 2 से अपन 1 पे गए स्ट्रेट लाइन के थ्रू, फिर अपन जाएंगे 1 से लेट्स सपोज 3 पे कर्व पाथ के थ्रू, तो y हो गया अपना 3 और 3 से अपन 4 पे चले जाएंगे स्ट्रेट लाइन के थ्रू। अब अपने को स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस पता है, मतलब ए से सबका डिस्टेंस पता है और बी से भी सबका डिस्टेंस पता है। अब वाई से बी पे जाओ या बी से वाई पे जाओ, बात तो सेम ही है क्योंकि अनडायरेक्टेड ग्राफ है। तो अपन ने क्या किया, अपन 2 से 1 पे गए, 2 से 1 पे जाने का मिनिमम डिस्टेंस कितना है, 2 से अगर अपन 1 पे जाएंगे तो उसका मिनिमम डिस्टेंस 1 है, तो अपन ने इधर 1 लिख दिया। अब 1 से 3 पे जाने का कर्व पाथ का डिस्टेंस कितना है, 4 है, तो अपन ने इधर 4 लिख दिया। और 3 से 4 पे जाने का, मतलब 4 से 3 पे जाने का मिनिमम डिस्टेंस कितना है, 5 है, तो अपन इधर 5 लिख दिया। तो 5 + 4 + 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करते करते अपन सारे कॉम्बिनेशन निकाल के देखेंगे कि कौन सा अपना मिनिमम पाथ आ रहा है और अपना जहाँ पे भी मिनिमम डिस्टेंस आ रहा होगा अपन उसी मिनिमम डिस्टेंस को रिटर्न कर देंगे। अपना मिनिमम डिस्टेंस कब आएगा कि जब तक A 2 हो, फिर अपन क्या कर रहे थे, 2 से 1 पे जा रहे थे, तो x अपना 1 है, 1 से अपन क्या कर रहे थे, कर्व पाथ के थ्रू 4 पे जा रहे थे, तो y अपना 4 है और b पे अपना 4 है। तो अपने को क्या करना है, 2 से x पे, मतलब 2 से 1 पे जाना है, तो 2 से 1 पे जाने का मिनिमम डिस्टेंस कितना है, 1 ही है, ठीक है। 1 से 4 पे जाने का मिनिमम डिस्टेंस कितना है, कर्व पाथ के थ्रू 1 है, तो अपन 1 ही लिख देंगे। और 4 से 4 पे जाने का डिस्टेंस अपने को मालूम है, जाहिर सी बात 0 होता है, ठीक है। तो 1 + 1 + 0 कितना जाएगा, 2, जो कि अपना मिनिमम होगा और इसी को अपन रिटर्न कर देंगे। यही अपना सिंपल सा सोल्यूशन जाएगा। अब सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि अपन ये मिनिमम डिस्टेंसेस कैसे निकालेंगे स्ट्रेट लाइन के थ्रू। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसके लिए अपन एक एडजेसेंसी लिस्ट बनाएंगे और उसके अंदर इटरेट करके देखेंगे कि कहाँ पर अपना मिनिमम डिस्टेंस आ रहा है और उसी को अपन लिख देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन ए से सबका डिस्टेंस इनफाइनाइट लिख देते हैं इनिशियली, कि अभी किसी नोड पे अपन पहुंच नहीं सकते, सबका डिस्टेंस इनफाइनाइट है, ठीक है। सबका डिस्टेंस अपन ने इनफाइनाइट कर दिया और अपन एक एडजेसेंसी लिस्ट बना देते हैं कि अपन 1 से कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं, 2 से कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं, 3 से कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं, 4 से कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं। तो 1 से अपन कहाँ पे जा सकते हैं, तो 2 पे जा सकते हैं 1 डिस्टेंस में, एक अपन 3 पे जा सकते हैं 2 डिस्टेंस पे, और एक अपन 4 पे जा सकते हैं 3 डिस्टेंस में, ठीक है। 2 से अपन कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं, 2 से एक तो अपन 1 पे जा सकते हैं 1 डिस्टेंस में, और एक अपन 4 पे जा सकते हैं 6 डिस्टेंस में। अब अपन 3 से कहाँ पे जा सकते हैं, 3 से अपन सिर्फ 1 पे जा सकते हैं 2 डिस्टेंस में, ठीक है। और 4 से अपन एक तो 1 पे जा सकते हैं 3 डिस्टेंस पे, और एक अपन 2 पे जा सकते हैं 6 डिस्टेंस पे, ठीक है। ये बन गई अपनी एडजेसेंसी लिस्ट। अब अपन क्या करेंगे, अपन एक प्रायोरिटी क्यू बनाएंगे और अपने को 2 से सबका डिस्टेंस निकालना है। 2 से 2 का डिस्टेंस तो जाहिर सी बात है 0 होगा, तो अपन क्या बोलेंगे कि 0 डिस्टेंस पे अपन 2 पे पहुंच गए, तो 2 से 2 पे पहुंचने का डिस्टेंस कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब अपन इसको निकालेंगे और अपन देखेंगे कि अपन 2 से कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं। 2 से एक तो अपन 1 पे जा सकते हैं, तो 2 से 1 पे जाने का डिस्टेंस कितना है, 1, तो 2 से 2 पे अपन 0 डिस्टेंस पे पहुंचे और 1 पे अपन 1 डिस्टेंस पे पहुंच गए, तो 0 + 1 कितना होता है, 1, और इधर इनफाइनाइट लिखा हुआ है तो इनफाइनाइट से अपन 1 कर देते हैं, ठीक है। सिमिलरली और कहाँ पे जा सकते हैं अपन, 2 से 4 पे जा सकते हैं 6 डिस्टेंस में, तो अपन 4 पे चले गए 6 डिस्टेंस में, तो 2 से 2 पे जाने का डिस्टेंस 0 है और 4 पे जाने का 6 है, तो अपन लिख देंगे कि 4 पे जाने का डिस्टेंस अपना हो गया 6, और इन दोनों को अपन अपनी क्यू में पुश कर देंगे। एक तो 1, 1 की 1 डिस्टेंस पे अपन 1 पे पहुंच गए, और एक अपन 6 डिस्टेंस पे 6 डिस्टेंस यूज करके 4 पे पहुंच गए, ठीक है। अपन डिस्टेंस पहले लिख रहे हैं, नोड बाद में लिख रहे हैं, यह बात अपन ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब प्रायोरिटी क्यू है तो मिनिमम नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, जो मिनिमम नेक्स्ट वैल्यू होगी वो होगी 1, 1, तो अपन बोल देंगे कि 2 से अपन 1 पे पहुंच चुके हैं 1 डिस्टेंस में। अब अपन 1 से कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं, 1 से अपन वापस 2 पे जा सकते हैं 1 डिस्टेंस पे, तो वापस 2 पे जाएंगे 1 डिस्टेंस पे, 1 + 1 कितना हो गया, 2, तो 2 से अपन 2 पे पहुँच सकते हैं 2 डिस्टेंस में, लेकिन अपने को ऑलरेडी 0 दे रखा है इसलिए अपन अपडेट नहीं करेंगे। फिर अपने को क्या दे रखा है, 3 पे पहुँच सकते हैं अपन 2 डिस्टेंस में, तो अपन 3 पे जाएंगे 2 डिस्टेंस में, तो 1 + 2 मतलब 2 से 1 पे अपन 1 डिस्टेंस पे पहुंच रहे हैं, 1 से 3 पे अपन 2 डिस्टेंस में पहुंच रहे हैं, तो 2 + 1 कितना हो गया, 3, तो अपन क्या करेंगे 3 के आगे 3 लिख देंगे कि अपन 2 से 3 पे 3 डिस्टेंस पे पहुंच रहे हैं। फिर अपन 4 पे कितने डिस्टेंस पे पहुंच सकते हैं, 3 डिस्टेंस में, तो अपन 4 पे पहुंच जाएंगे 3 डिस्टेंस में, तो अपना 2 से 4 का डिस्टेंस कितना हो गया, 3 + 1 4, और अपने को ऑलरेडी कितना दे रखा था 6, 6 से 4 छोटा होता है तो अपन इधर 4 लिख देंगे। तो अपने क्या क्या पुश होंगे अपनी प्रायोरिटी क्यू में, क्या क्या अपन ने चेंज किया था कि 3 डिस्टेंस पे अपन 3 पे पहुंच जाएंगे और 4 डिस्टेंस पे अपन 4 पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब इधर वापस मिनिमम 3, 3 है तो अपन 3, 3 को हटाएंगे, 1, 1 ऑलरेडी हट चुका है, 10 का अपन ने कैलकुलेशन कर लिया है, तो अपन ने क्या बोला कि 2 से थ्री पे अपन थ्री डिस्टेंस पे पहुंच गए हैं। अब थ्री से अपन कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं? थ्री से अपन वन पे जा सकते हैं, टू डिस्टेंस में। ठीक है, तो 3 + 2 कितना हो गया? 5। तो अपन 2 से 1 पे 5 डिस्टेंस में पहुंच सकते हैं, बट अपने को ऑलरेडी 1 दे रखा है तो अपन अपडेट नहीं करेंगे। और 3 का किस्सा इधर ही खत्म हो गया। अपने जो नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू है वो 4,4 है। तो अपन ने क्या बोला कि 2 से अपन 4 पे पहुँच सकते हैं 4 डिस्टेंस में। 2 से अपन 4 पे पहुंचे 4 डिस्टेंस में। 4 से अपन कहाँ पे जा सकते हैं? 1 पे जा सकते हैं 3 डिस्टेंस में। तो 1 पे अपन पहुंचे 3 डिस्टेंस में। तो 4 + 3 कितना हो गया? 7। बट अपने को ऑलरेडी 1 दे रखा था तो अपन अपडेट नहीं करेंगे। सिमिलरली अपन नेक्स्ट कहाँ पे जा सकते हैं? 2 पे जा सकते हैं 6 डिस्टेंस में। लेकिन अपने को 2 की डिस्टेंस ऑलरेडी 0 दे रखी है, इसलिए अपन इधर से अपडेट नहीं करेंगे क्योंकि इससे मिनिमम और कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो 4 का भी हो गया ख़त्म। और इधर वापस अपने को 6,4 दे रखा है। अब अपना 4,4 से कुछ अपडेट नहीं हुआ, मतलब जब 4 की डिस्टेंस 4 थी तभी कुछ अपडेट नहीं हुआ, तो 4 की डिस्टेंस इधर तो 6 है तो कुछ भी अपडेट नहीं होगा, इसलिए अपन इसको सिंपली कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो अपने को सबकी मिनिमम डिस्टेंस मिल चुकी है इस वाले मेथड से। तो अपने को एक पार्ट तो पता चल गया कि अपने को सारी मिनिमम डिस्टेंस कैसे पता चलेगी। अब अपन कर्व पाथ कैसे निकालेंगे अपन वो देख लेते हैं। तो उसके लिए अपन एक और एरिया बनाएंगे कर्व नाम का। उसके अंदर अपन क्या करेंगे कि सबसे पहले अपन 1 से 2 पे जा सकते हैं 4 डिस्टेंस पे कर्व पाथ के थ्रू। तो 1, 2, 4 लिख देंगे कि कर्व पाथ के थ्रू अपन 1 से 2 पे जा सकते हैं 4 डिस्टेंस पे। सिमिलरली 1 से 3 पे जा सकते हैं 4 डिस्टेंस में। तो अपन 1 से 3 पे जाएंगे 4 डिस्टेंस में। सिमिलरली अपन 1 से 4 पे जाएंगे 1 डिस्टेंस पे। और अपन 2 से 4 पे जाएंगे 5 डिस्टेंस पे। 2 से अपन 4 पे जाएंगे 5 डिस्टेंस में। अब अपन क्या करेंगे, एक बार अपन इसको x लेंगे और इसको y लेंगे। तो अपन क्या करेंगे, ए से x पे जा रहे थे, x से कर्व पाथ के थ्रू y पे जा रहे थे और y से b पे जा रहे थे। तो अपन क्या करेंगे, a मतलब 2 से अपन जाएंगे 1 पे, 1 से अपन जाएंगे वापस 2 पे कर्व पाथ के थ्रू, और 2 से अपन जाएंगे 4 पे स्ट्रेट पाथ के थ्रू। ठीक है, तो अपन 2 से 1 पे जाने का मिनिमम डिस्टेंस क्या है? 2 से 1 पे जाने का मिनिमम डिस्टेंस 1 है। 1 से कर्व पाथ के थ्रू डिस्टेंस कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, तो इधर 4 आ गया। ठीक है, और 2 से 4 पे जाने का मिनिमम डिस्टेंस कितना है, या फिर 4 से 2 पे जाने का मिनिमम डिस्टेंस कितना है? 4 पे आ गया 4। ठीक है, तो 4 + 4 8 + 1 9। तो अपना इधर मिनिमम डिस्टेंस 9 आया है। सिमिलरली इसको अपन एक बार इधर x कंसिडर करेंगे और इधर y कंसिडर करेंगे। तो अपन इस टाइम कहाँ जा रहे हैं? 2 से अपन वापस 2 पे जा रहे हैं, क्योंकि अपना ये जो है ये वाली वैल्यू को इस बार अपन ने x कंसिडर किया है। तो 2 से 2 पे जा रहे हैं। फिर 2 से अपन कहाँ पे जा रहे हैं? 2 से अपन कर्व पाथ के थ्रू 1 पे जा रहे हैं और 1 से अपन 4 पे जा रहे हैं। ठीक है, तो 2 से 2 पे जाने का तो जाहिर सी बात अपना डिस्टेंस 0 होगा। अब 2 से कर्व पाथ के थ्रू अपन 1 पे जा रहे हैं तो डिस्टेंस अपना 4 हो गया, तो 0 + 4 4। सिमिलरली अपने को 1 से 4 पे जाना है, तो 4 से 1 पे जाने का मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है? 3। तो 4 + 3 कितना हो गया? 7। तो अपने को जो 9 है उससे एक छोटी वैल्यू मिल चुकी है 7। तो अपन इधर 7 कंसिडर करेंगे। फिर सिमिलरली अपन सारी वैल्यूज़ के लिए करेंगे कि इसको एक बार x लेंगे, इसको y लेंगे, फिर इसको x लेंगे, इसको y लेंगे। ठीक है, सिमिलरली अपने ये चारों वैल्यूज़ के लिए करेंगे। जहाँ पर भी अपना जो आंसर है वो मिनिमम आ रहा होगा अपन उसी मिनिमम आंसर को रिटर्न कर देंगे। यही अपना सिंपल सा सोल्यूशन है। एक बार इसका कोड देख लेते हैं। तो इसके कोड में मैंने सबसे पहले तो क्या किया, मैंने एक एडजेसेंसी लिस्ट बनाई है और एक मैंने कर्व वाली लिस्ट बनाई है। इसके अंदर मैंने क्या बोला कि सबसे पहले अपने एजेस वाले एरे में ट्रेड करो। अपनी जो फर्स्ट वैल्यू है, मतलब फर्स्ट नोड है, उसको u में डाल दो। नेक्स्ट नोड को अपनी v में डाल दो, मतलब इन दोनों के बीच में, u और v के बीच में कनेक्शन होगा। इसके स्ट्रेट पाथ के वेट को अपने वेट में डाल दो और कर्व वेट के अंदर इसका कर्व पाथ का वेट डाल दो। फिर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपन कर्व में पुशबैक करेंगे। u और v को, मतलब 1 और 2 को अपन पुशबैक कर देंगे और उसके कर्व पाथ के वेट के साथ। वही अपन ने इधर किया था। अपन ने क्या किया था, 1 और 2 को पुशबैक किया था 4 के साथ में, मतलब उसके कर्व वेट के साथ में। और एक अपन एडजेसेंसी लिस्ट में पुशबैक करेंगे कि u से भी अपन v पे जा सकते हैं और v से भी अपन u पे जा सकते हैं। तो u क्या है अपना 1, तो 1 से अपन क्या कर सकते हैं, 2 पे जा सकते हैं 1 वेट में। और सिमिलरली अपन 2 से कहाँ पे जा सकते हैं, 2 से अपन 1 पे जा सकते हैं 1 वेट में। तो अपन क्या कर लेंगे, दोनों ही जगह पुश कर लेंगे कि अपन फर्स्ट वाली जगह पे भी पुश कर लेंगे कि फर्स्ट पाथ पे अपना क्या कर दो, 2 कर दो कि अपन 1 से 2 पे जा सकते हैं 1 वेट में। और अपना 2 की जगह पे भी 1 को पुशबैक कर दो कि अपन 1 पे जा सकते हैं 1 वेट में। तो अपन ने दोनों ही जगह पुशबैक कर लिया। तो ऐसे करते करते अपनी पूरी एडजेसेंसी लिस्ट और अपनी कर्व वाली लिस्ट भर जाएगी। फिर मैंने क्या बोला कि अपने डिजिक्स्ट्रा के थ्रू फाइंड करो कि अपना ए से सारी नोड्स का डिस्टेंस और बी से सारी नोड का डिस्टेंस। तो अपने डिस्टेंस 1 के अंदर क्या आ जाएगा, ए से सारी नोड्स का डिस्टेंस, और बी से डिस्टेंस के अंदर क्या आ जाएगा, इस वाले वेक्टर के अंदर आ जाएगा बी से सारी नोड्स का डिस्टेंस। फिर मैंने बोला कि इधर तो मैंने बताया कि कर्व पाथ के थ्रू अपन कहाँ कैसे कैसे जाएंगे, कैसे अपने को पता चलेगा। अब अगर अपन अपने को बोला कि एटमोस्ट एक कर्व पाथ लेना है, अगर अपन कोई भी कर्व पाथ नहीं लेते हैं तो अपना आंसर क्या होगा, कि अपन डायरेक्टली 2 से 4 पे कितने जगह पे मतलब कितने वेट में पहुंच सकते हैं। तो 2 से 4 पे अपन स्ट्रेट लाइन में कितने वेट में पहुंच सकते हैं, ये अपने को इधर दे रखा होगा। ठीक है, तो 2 से 4 पे अपन कैसे पहुंच सकते हैं, 4 वेट में पहुंच सकते हैं अगर अपन सिर्फ स्ट्रेट लाइन ले तो। ठीक है, तो अभी अपना इनिशियल आंसर 4 है। अब 4 से अपने को कोई मिनिमम आंसर मिलेगा तो अपन उसको अपडेट कर देंगे। फिर मैंने क्या बोला, फिर अपने कर्व वाले एरिया में इटरेट करो। यू में क्या लो, यू में अपनी फर्स्ट नोड लो, वी में अपनी सेकेंड नोड लो। मतलब इधर जहाँ पे अपन एक्स और वाई करे थे इधर अपन क्या करेंगे, यू और वी करेंगे। ठीक है, तो एक बार अपनी अपनी फर्स्ट नोड का अपन ने यू कंसिडर किया और सेकंड नोड का अपन ने वी कंसिडर किया और इनका कर्व पाथ भी अपन ने ले लिया है। ठीक है, कि कर्व का वेट कितना होगा। फिर मैंने बोला कि अगर अपना आंसर से कोई मिनिमम वैल्यू आ रही है, मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है कि अपना सबसे पहले ए से यू का डिस्टेंस निकालो, वो कहाँ आएगा, ए वाले एरे में अपना जहाँ पे भी यू मतलब यू का जो भी डिस्टेंस होगा वो यूथ वाली वैल्यू पे होगा। तो ए के अंदर यू का कितना डिस्टेंस है, ए से यू का कितना डिस्टेंस है वो निकालो। फिर अपना यू से वी पे अपन कर्व पाथ के थ्रू जाएंगे तो अपना कर्व को ऐड कर दो। और फिर V से B का डिस्टेंस क्या आएगा, वो अपने डिस्टेंस 2 वाले एरिया में जहाँ भी V की पोजीशन होगी उस पर पड़ा होगा। तो अपन क्या बोलेंगे कि B से U का डिस्टेंस निकाल लो, इन सबको ऐड कर लो तो अपना एक डिस्टेंस मतलब एक अपना A से B का पाथ बन जाएगा। उसको देखोगे अगर वो आंसर से छोटा है तो आंसर को उससे अपडेट कर दो। सिमिलरली अपन क्या करेंगे, U और V को इंटरचेंज कर लेंगे कि पहले देखो कि A से V का कितना डिस्टेंस है, फिर कर्व पाथ में V से U पे जाओ और फिर U से B पे अपना स्ट्रेट पाथ के थ्रू चले जाओ। ये भी अपना एक पाथ बन जाएगा। देखो कि अगर इसका आंसर से मिनिमम आ रहा हो तो आंसर को अपडेट कर दो। और लास्ट में देखो कि अगर आंसर अभी भी अपना इंट मैक्स ही है तो अपना क्या करो, -1 रिटर्न कर दो, नहीं तो अपना आंसर रिटर्न कर दो। अब एक बार अपन देख लेते हैं कि अपन ये डिजिक्स्ट्रा में क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो डिजिक्स्ट्रा में मैंने क्या बोला, सबसे पहले तो अपने एक डिस्टेंस नाम का एरे बनाओ जिसके अंदर अपन n+1 वैल्यूज रखे और सबको इंट मैक्स इनिशियलाइज करते हैं। इधर भी अपन ने क्या किया था, इधर अपन ने 0 से लेके n तक की वैल्यूज रखी थी, n+1 वैल्यूज, और उन सबको इनफाइनाइट से इनिशियलाइज कर दिया था। ठीक है, फिर मैंने एक प्रायोरिटी क्यू बनाई है जो कि मैंने इधर भी बनाई थी, प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, इसके अंदर फिर मैंने क्या बोला कि सबसे पहले ए का जो डिस्टेंस है उसको 0 कर दो और 0,1 को पुश बैक कर दो अपनी प्रायोरिटी क्यू में। ये भी अपन ने किया था इधर। फिर मैंने क्या बोला कि जब तक अपनी प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती है तब तक चलते रहो और अपनी जो सबसे छोटी वैल्यू है वो अपने टॉप पे होगी, टॉप को अपने करेंट में ले लो, उसको पॉप बैक कर दो। ठीक है, फिर अपना क्या करो, उसका जो डिस्टेंस होगा मतलब डिस्टेंस अपना कहाँ आ रहा है, डिस्टेंस अपना पहले आ रहा है तो डिस्टेंस के अंदर क्या कर दो, करेंट का फर्स्ट स्टोर कर दो और अपनी जो नोड थी उसको कर दो करेंट का सेकेंड के बराबर। ठीक है, फिर मैंने बोला कि अपनी एडजेसेंसी लिस्ट में अपनी नोड वाली जगह पे चलते रहो। अपने क्या बोला था कि 0,2 था तो अपन क्या कर रहे थे, अपन 2 से सबका डिस्टेंस देख रहे थे कि अपन 2 से कहाँ पे जा सकते हैं। तो अपन ने क्या किया, अपनी एडजेसेंसी लिस्ट में सेकंड जगह पे जो भी स्टोर था अपन ने उन सबके ऊपर इटरेट किया। अपनी जो अंदर की फर्स्ट वैल्यू थी अपन ने उसको फर्स्ट में लिया, उसका जो वेट था अपन ने उसको सेकंड में लिया। अपन ने बोला कि 2 से अपन जहाँ पे भी जा सकते हैं उसका वेट ले लो। ठीक है, तो 2 से जहाँ पे भी जा सकते थे अपन ने उसका वेट ले लिया। फिर मैंने बोला कि अपने डिस्टेंस वाले एरिया में उस जगह का वेट देखा होगा, उस जगह का वेट ज़्यादा है अपने नए वेट से तो अपने नए वेट को अपडेट कर दो और उसको पुश बैक कर दो अपनी क्यू के अंदर। यही अपना सिंपल सा सोल्यूशन होगा। एक बार सबमिट करके देखते हैं। तो हाँ, ये बिल्कुल सबमिट हो रहा है, मतलब एकदम एक्यूरेट सोल्यूशन है। आप इसको बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ आया, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। हम आपका डाउट सॉल्व करने के लिए हमेशा प्रेजेंट है। थैंक यू सो मच।